जहाँ पे सारे ही मोटरसाइकिल ब्रांड्स अपने मोटरसाइकिल को एक पावर अपग्रेड देने में लगे हुए हैं, कावासाकी इज स्टिल गोइंग ट्रेडिशनल वे। वो अपनी मोटरसाइकिल्स को सिर्फ और सिर्फ पेंट स्कीम अपग्रेड दे रही है अभी तक, एंड 2024 में भी ऐसी ही अपग्रेड इस 300 निंजा को दिया गया है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस बाइक के अंदर पेंट स्कीम के अलावा चेंजेस है कि नहीं है, और ये बाइक 2024 में वर्थ इट है भी कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो 2024 के अंदर निंजा 300 में आपको तीन कलर स्कीम देखने को मिल जाती है, कैंडी लाइम ग्रीन और मूनडस्ट ग्रे। सो ये जो हमारे साथ खड़ा है ये कैंडी लाइम ग्रीन कलर खड़ा है। ग्राफिक्स की बात अगर यहाँ पे करो तो आपको थोड़ा ब्लैक अटायर अब इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा डार्क शेड है ये लाइम ग्रीन से। एंड निंजा की जो बैजिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे चेंज कर दी गई है, थोड़ी सी स्पोर्टीनेस इस कलर स्कीम के साथ और ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल जो बाइक का अपील है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से, बहुत ज़्यादा ही टाइम से। हम निंजा 300 का एक प्रॉपर अपग्रेड का वेट कर रहे हैं, बट 2024 के अंदर भी कावासाकी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर नहीं किए गए हैं एक्सेप्ट द कलर स्कीम। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रंट से अगर आप देखोगे स्टिल आपको यहाँ पे हेलोजन लाइट देखने को मिल जाएगी फ्रंट में, जो कि अभी तक भी LED में अपग्रेड नहीं की गई है। उसके बाद जो फ्रंट का डिज़ाइन है ये अगर आप देखोगे तो जैसे कि निंजा 4R है, निंजा 500 है, सारी ही सीरीज निंजा की अपग्रेड कर दी गई है एक्सेप्ट द 300। इसका जो लुक है अभी भी आपको ट्रेडिशनल लुक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये निंजा लाइनअप में थोड़ी सी स्टैंड आउट भी कर जाती है। हेलोजन इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं, बॉडी इंटीग्रेटेड इंडिकेटर है यहाँ पे, ड्यूल चैनल ABS मिलता है तो ABS की बैजिंग आ जाती है। फ्रंट फेंडर के ऊपर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, साइड प्रोफाइल पे अगर आओगे तो सिमिलर डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको कंफर्टेबल स्पोर्ट्स क्रूजर मोटरसाइकिल देखने को मिल जाएगी। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं है। रेयर में ये जो ग्रैब रेल है ये आज तक भी एक ऑफवर्ड सी ग्रैब रेल देखने को मिलती है, जो कि लोग खरीदते ही सबसे पहले उतारते हैं। रेयर में जो इंडिकेटर आप देखोगे ये भी आपको हेलोजन ही ऑफर हो रहे हैं, हेलोजन टेल लाइट मिल जाती है। दिखने में बाइक प्रीमियम तो लगती है बट इट स्टिल नीड अ फेसलिफ्ट। इंजन की बात की जाए तो आपको 296cc का ट्विन सिलेंडर इंजन मिल जाता है, विच इज अ सुपर रिफाइंड इंजन, कम्स विद 39 BHP, 26 Nm टॉर्क, 6-speed गियरबॉक्स इसके अंदर मिल जाता है। पावर फिगर्स की अगर बात करोगे तो 300cc के अंदर जितने भी फेयर्ड मोटरसाइकिल्स है स्पेशली द यामाहा R3, वो भी निंजा 300 से थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे, और पावर अपग्रेड की भी इस मोटरसाइकिल को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे निंजा स्टैंड आउट करती है दैट इज़ द रिफाइनमेंट लेवल। कितने भी ब्रांड्स हैं अभी मार्केट के अंदर, चाहे वो यामाहा की R3 ही क्यों ना हो, उसके बाद अगर आप एप्रिलिया 457 को देखोगे या फिर ड्यूक को देखोगे, स्पेशली ये जितनी भी बाइक है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है विथ लॉट ऑफ पावर, उसमें रिफाइनमेंट लेवल अगर आप चेक करोगे तो कावासाकी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाता है। दैट इज़ द रीज़न मेरे हिसाब से कि इसकी पावर आउटपुट को जो है वो बढ़ाया नहीं जा रहा, हीट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको, और टेक को भी कहीं ना कहीं ऐड नहीं किया जा रहा, और इस मोटरसाइकिल को ज़्यादा रॉ रखने की कोशिश की गई है। एक चीज़ जिस पे कावासाकी को काम करना चाहिए दैट इज़ द सस्पेंशन, मतलब इतने टाइम से अभी भी आपको ट्रेडिशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं, एंड कॉम्पिटिटर्स को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको USD काफ़ी टाइम से ऑफर हो रहे हैं, तो एक अपग्रेड जो हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं दैट इज़ बिकॉज दिस इज़ अ फेयर्ड मोटरसाइकिल, एंड जो फेयर मोटरसाइकिल होती है ये ट्रैक पर्पज से आप ज़्यादा यूज़ करते हो, दो दिस इज़ अ स्पोर्ट्स क्रूजर मोटरसाइकिल, बट अगर USD ऐड हो जाएंगे तो काफ़ी बेटर इसका सस्पेंशन रिस्पॉन्स आ जाएगा। रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। ब्रेक्स की अगर बात करें तो फ्रंट में 290mm की डिस्क मिलती है, रेयर में 220mm की डिस्क मिल जाती है, दैट कम्स विद ड्यूल चैनल ABS, सुपर मोटो ABS वगैरह कुछ भी इसके अंदर ऑफर यहाँ पे नहीं किया गया है। निंजा 300 का जो सबसे बेस्ट पार्ट है दैट इज़ द सीट हाइट, 780mm की सीट हाइट इसके अंदर मिल जाती है, एंड जस्ट सी, मतलब किसी भी नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह आप इसके ऊपर बैठोगे, कोई भी एग्रेसिवनेस नहीं है, पावर वाइज तो एग्रेसिवनेस है बट वैसे इसके अंदर सिटिंग में कम हाइट वाले बंदों को, कम हाइट वाले राइडर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप देखो कि मेरा घुटना भी कितना ज़्यादा मुड़ा हुआ है, बहुत ईजी मैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हूँ, जिसका मतलब लॉन्ग टूरिंग करने में भी इस बाइक के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वेट की बात करें तो 179 kg की मोटरसाइकिल है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, चलाते वक्त इसका पता नहीं लगेगा, इससे हल्की है यामाहा R3 वेट वाइज इससे हल्की है, बट स्टिल ये मोटरसाइकिल जो है आपको बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगने वाली, तो शॉर्ट राइडर्स भी जो है इस बाइक को ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। द नेक्स्ट बिग थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज़ कि अगर आप लॉन्ग टूरिंग के बारे में सोच ही रहे हो तो 17 liters का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, तो रेंज बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो ये मोटरसाइकिल आपको 25 kmpl के अराउंड तक दे देगी, एंड हाईवे वगैरह में अगर आप मतलब
आराम से चलाओगे तो हो सकता है उससे ज़्यादा भी दे दे, पर 25 km/h के अराउंड आपको एवरेज मिल जाती है। तो 17 liters 25 km/h रेंज जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। यहाँ पे फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है, रेयर में 140 सेक्शन का यहाँ पे टायर मिल जाता है। इस बाइक के अंदर एक अपग्रेड और हो सकता है एंड दैट इज़ द टायर्स। तो टायर्स अभी ऑफर हो रहे हैं, दैट इज़ द MRF जैपर्स, जो कि उतनी ज़्यादा ग्रिपिंग आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, बीइंग अ ट्रैक मोटरसाइकिल, मतलब फेयर मोटरसाइकिल है। तो टायर्स का भी अगर अपग्रेड आ जाता है एटलीस्ट 2024 में, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ अच्छी हो जाती। तो कहीं ना कहीं कावासाकी ने कॉस्ट कटिंग भी की है, लेकिन एक चीज़ सबसे बढ़िया है वो ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटर से चेक करोगे वहाँ पे, तो निंजा जो है ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी। कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी की गई है, लेकिन कावासाकी जैसा ब्रांड आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मिलने वाला है। 3.43 lakh एक शोरूम से ये मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, दैट गोज अप्रॉक्सीमेटली अप टू ऑन रोड कॉस्ट ऑफ 3.90 lakh 95 lakh डेली के अंदर। तो 4 lakh के नीचे नीचे ये मोटरसाइकिल आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कावासाकी ब्रांड के हिसाब से। सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है इस ब्रांड की, बट यू विल एन्जॉय राइडिंग दिस मोटरसाइकिल बिकॉज ऑफ द रिफाइनमेंट लेवल, कम्फर्टेबल सिटिंग एंड लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से भी ये मोटरसाइकिल बहुत प्यारी बन जाती है। सो दिस इज़ द की ऑफ द कावासाकी निंजा 300 एंड ये कुछ ओल्ड स्कूल सा स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जिन लोगों को RPM रेव लाइन कुछ इस तरीके से पसंद है एनालॉग में, उनको ये सेटअप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। आप लाइट्स देख सकते हो यहाँ पे, न्यूट्रल की लाइट आ जाती है, ABS की लाइट आ जाती है, इंजन लाइट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे आपको एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे क्लॉक, स्पीड, किलोमीटर, ट्रिप ए एंड फ्यूल गेज वगैरह देखने को मिल जाता है। अब ट्रिप जो है वो यहाँ इस बटन से चेंज होगा, ट्रिप बी, ओडोमीटर एंड दैट्स इट। क्योंकि कोई टेक नहीं है तो इसके अंदर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन डिसेंट ही है, सफिशियंट है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी इसके अंदर नहीं दिया गया है, तो वो भी एक मिस आउट है। एंड ओवरऑल जो आपका डिस्प्ले है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, प्रॉपर ओल्ड स्कूल टाइप। एंड यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाएगा, जिसके जो बटन्स वगैरह हैं उनकी क्वालिटी बढ़िया है। यहाँ पे इंडिकेटर आ जाता है, यहाँ पे आपका हॉर्न स्विच आ जाता है, एंड इस तरफ आपको इग्निशन बटन देखने को मिल जाएगा। रियर व्यू मिरर आपके इस तरीके से यहाँ पे ओपन होते हैं, ऑल्दो ये सेट नहीं है अभी, बट कुछ इस तरीके से यहाँ ओपन होता है। और ओवरऑल डैश का जो लुक है वो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी इसके अंदर नहीं दे रखा। नाउ लेट्स लिसन आउट टू द एग्जॉस्ट नोट। इट साउंड्स रियली स्मूथ। सो साउंड जो है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, सूदिंग साउंड है, और आपको ऐसा कुछ लाउड नहीं यहाँ पे लगने वाला। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टूरिंग वगैरह भी जब आप करते हो, एक तो जब आप रेविंग भी करोगे तब भी आपको इंजन की स्मूथनेस का यहाँ पे पता लगेगा, और साउंड से भी वो चीज़ कहीं ना कहीं झलक रही है। तो लॉन्ग टूर वगैरह करते वक्त ना आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। सो इज़ दिस बाइक वर्थ इट इन 2024? वेल, काफ़ी सारे अपग्रेड्स इस बाइक को मिल सकते हैं। एंड जो सबसे पहला अपग्रेड है वो है डिज़ाइनिंग का। काफ़ी सालों से हम निंजा 300 के अंदर सेम ही डिज़ाइन देख रहे हैं, और कोई भी मेजर अपग्रेड डिज़ाइनिंग के अंदर नहीं किया गया है। तो जिन लोगों को ये डिज़ाइन पसंद है, दे विल डेफिनेटली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल, अदरवाइज़ काफ़ी लोगों को ये ओल्ड स्कूल डिज़ाइन लगता है। सेकेंड इज़ द पावर। काफ़ी लोगों को इसकी पावर कम लग सकती है, बट कंसिडरिंग कि ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, ओवर पावर्ड नहीं है, और जो लोग लीनियर पावर को ज़्यादा पसंद करते हैं लॉन्ग टर्म में, मतलब डे टू डे ट्रैफिक में ना, लीनियर पावर आपकी ज़्यादा काम आती है बजाय एग्रेसिवनेस के। आप किसी भी मोटरसाइकिल को लाइक KTM 390 हो गई या फिर Aprilia RS457 हो गई, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है, हाई कंप्रेसिंग इंजन है, उसके अंदर आप देखोगे कि हीट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रही है, और आपको 24 घंटे ना एक कॉन्शियसनेस के साथ उस मोटरसाइकिल को चलाना पड़ेगा, जबकि निंजा के साथ ये सीन नहीं है। आप बहुत ही कंफर्टेबली इसके अंदर लीनियंट पावर को यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। अब टेक वाइज ये बाइक कहीं ना कहीं लैक करती ही है, क्योंकि काफ़ी सारे टेक इसके अंदर नहीं दिए गए हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी नहीं मिलता, क्विक शिफ्टर वगैरह जैसे टेक नहीं मिलते, बट
उसका भी एक चीज़ है कि ये मोटरसाइकिल उस तरीके से फोकस नहीं करी गई है, ट्रैक फोकस नहीं करी गई है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर वो टेक मिसिंग भी है तो मेरे को नहीं लगता कि आपको उतना ज़्यादा फील होने वाला है। अब जो पॉजिटिव से इस मोटरसाइकिल के, दैट इज़ ऑब्वियसली द रिफाइनमेंट ऑफ द इंजन, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे हीट मैनेजमेंट है वो इस काफ़ी मोटरसाइकिल का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे हीटिंग इशू वगैरह इसके साथ नहीं आती, एंड दैट क्रेडिट गोज़ टू जो पावर मैनेजमेंट करी गई है यहाँ पे, ओवर पावर नहीं किया गया इस मशीन को। सेकंड थिंग, बहुत ही कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है ये, शॉर्ट राइडर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाली है ये मोटरसाइकिल, बैठने में, चलाने में, मैनेज करने में ये मोटरसाइकिल काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। थर्ड थिंग, अगर आप लोग लॉन्ग टूरिंग करना चाहते हो इस मोटरसाइकिल को, बिकॉज सिटिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी बड़ा आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से रेंज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिल जाती है आपको, और जो एवरेज भी है वो भी डिसेंट है इस मोटरसाइकिल की। सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कावासाकी निंजा 300 2024 वेरिएंट। तो कैसी लगी है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताओ, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।